ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آيات. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं दारुल वही इंस्टीट्यूट। मैं हूं मोहम्मद अवैस, मेरे साथ करीब मोहम्मद साहब मौजूद हैं। कर सब से आज हम क्वेश्चन करेंगे। अस्सलाम वालेकुम कर सब, हमें ये बताएं कि कौन से ख्वाब हैं, अगर वो आएँ तो हमें इशारा हो कि हमारी ज़िंदगी जो है वो तब्दील होने वाली है। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه وجعلناه سميعا بصيرا إما هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا। محمد عبید صاحب, آپ نے جو سوال کیا ہے کہ ایسے کون سے خواب ہیں اگر وہ آئیں تو اس کی تعبیر یہ نکلے کہ انسان کی زندگی بدل جائے, تو तीन ख्वाब मैं ऐसे बयान करूंगा, अगर वो किसी को आ जाए तो उसकी ज़िंदगी बदल जाएगी। पहला ख्वाब ये है कि जो शख्स ख्वाब के अंदर अच्छा पानी, मीठा पानी, साफ़ सुथरा खुशगवार पानी देखे तो इस बंदे की अल्लाह रब्बुल आलमीन उम्र लंबी कर देगा, और ज़िंदगी जो है अचानक ऐसे बदलेगी कि ज़िंदगी में खुशियाँ आ जाएंगी। और इसी तरह एक ख्वाब ऐसा है, अगर वो आ जाए तो वो इसके अपोजिट है, यानी कि गंदा पानी, बुरा पानी, गंदला पानी देखा है तो उसकी तबीर इसके अपोजिट है, यानी कि उसकी ज़िंदगी में गमी, दुख, परेशानियां आना शुरू हो जाएंगी। और इसी तरह कोई शख्स देखता है कि मेरी ख्वाब के अंदर देखता है तीसरा ख्वाब कि मेरी दहलीज पर ना रौनक है बहुत ज़्यादा, घर की दहलीज पर, तो उसकी तबीर ये है कि इसके जो ना घर वाले या ये अचानक तंदुरुस्त हो जाएगा, अगर बीमार है तो ठीक हो जाएगा, इसकी ज़िंदगी बदल जाएगी। और इसी तरह इसके खादम की अच्छाई की ये दलील है, उसकी मेहनत की ये दलील है। ये तीन ख्वाब ऐसे हैं, अगर किसी को आ जाए तो उसकी ज़िंदगी बदल जाएगी। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, किसी बहन भाई को ख्वाब आए तो ज़रूर नीचे कर सब का नंबर मेंशन किया है, रब्ता कीजिएगा, रिप्लाई इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगी। अगले प्रोग्राम में फिर हाज़िर होंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। बेहतरीन सदका जारियां हासिल करने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कॉमेंट करें।